बुधवार सुबह चिखली गांव के कुएं में 1 साल से लेकर 9 साल तक की उम्र के इन बच्चों के शव पानी में तैरते मिले। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी शवों को बरामद किया। शवों की पहचान भारत सिंह नाम के शख्स के बच्चों के तौर पर की गई है। पुलिस के अनुसार भरत ने 2 शादियां की थी, इनमें एक पत्नी का 1 बच्चा, दूसरी के 4 बच्चे हैं। पहली पत्नी मायके में रहती है जबकि दूसरी पत्नी भारतीया के साथ ही रहती थी। कुएं मिले शवों में दोनों पत्नियों के 5 ही बच्चे शामिल हैं। पुलिस भरत और अब उसकी पत्नी की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस को आशंका है कि बच्चों की हत्या भरत ने अपनी दूसरी पत्नी के साथ मिलकर की है। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है लेकिन अभी कोई सुराग माता पिता का नहीं मिल पाया है। आज जो है गांव के पटेल ने आकर थाना ग्राम सिंधवा ग्राम थाने पर सूचना दी कि ग्राम चिकली में जो कुआं है उसका अतर सिंह का 5 बच्चों की डेड बॉडी पड़ी हुई है। सूचना पर हम लोग आए हैं, बच्चों की डेड बॉडी निकाली गई है और घटना के बाद जब गांव में पता लगाया गया तो मृतक का जो पिता है बच्चों का बतर सिंह वो घटना के बाद से फरार है। उसकी दोनों पत्नियां भी घर पर नहीं हैं तो मामला प्रथम दृष्टया बहुत संदिग्ध लग रहा है। हमने भी मर्ग पंजीवत कर लिया है और शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। ये क्या घटना हो गई है? ये कुआं में लाश देखी यार सर। किन लोगों ने देखी? ये चौमहरिया देखा, छेंडा देखा। कब? आज सुबह। आज सुबह 8 बजे बाद। अच्छा, किसके बच्चे हैं ये? ये बतर सिंह की। और उसकी पत्नियां कहाँ हैं अभी? ये नहीं मालूम सर। वो बतर सिंह भी नहीं है? वो भी नहीं। क्या कारण होगा मरने का कुछ कह सकते? कहीं नहीं, ये नहीं मालूम सर। उनके बीच में कोई झगड़ा था ऐसा कुछ है क्या मालूम? ये भी नहीं मालूम। गौरव शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, क्या माता पिता तक अब तक पुलिस पहुंच पाई है और साथ ही इन मौतों को लेकर कोई जानकारी सामने आ पाई? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। 5 जो नाबालिग बच्चे हैं सबकी मौत हो चुकी है, पोस्टमार्टम हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माता पिता का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, केस की पड़ताल कर रही है और भी लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। भरत के जो पड़ोसी हैं उनके भी बयान दर्ज किए गए हैं और गहन पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहली पत्नी के बच्चे और दूसरी पत्नी के जो बच्चे हैं, टोटल 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों को एक साथ कुएं में फेंक दिया गया और 5 बच्चों की मौत हो गई। तो इसमें ये निकल कर अब तक सामने नहीं आ सका है कि क्या भरत के साथ पहली पत्नी इस पूरे वाकया में शामिल थी या फिर दूसरी पत्नी। गौरव, एक बात संक्षेप में बताइए, क्या आर्थिक स्थिति कैसी थी इस परिवार की? देखिए, भरत की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। हो सकता है कि दोनों पत्नियों के बीच का झगड़ा भी एक बड़ा कारण हो सकता है और दूसरा पक्ष वो आर्थिक स्थिति भी हो सकती है। निश्चित तौर पर ये दो बड़े जो है मुद्दे वो निकल कर सामने आ सकते हैं, जो वजह जो हो सकती है, दो कारण निकल कर सामने आ सकते हैं। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। यानी जब तक माता पिता तक पहुंच नहीं जाती पुलिस, कुछ कहना इस मामले में जल्दबाजी होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।